मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरा लाल कुमार डायमंड मैथिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों, मैंने शुरू से आज तक वीडियो बनाया, आप लोगों का प्यार बहुत ही हमारे साथ रहा और अंत में भी आप प्यार साथ रखिएगा बच्चों। चूँकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो 2019 का बच्चों कुछ क्वेश्चन बच गए थे इंग्लिश के, तो मैं उसे करवा दे रहा हूँ बच्चों। और जो है कि मैथ और मैकेनिक्स में वीडियो क्यों नहीं दिया, इसके पीछे रीजन है बच्चों, चूँकि कि देखो प्रीवियस ईयर में ये चीज़ नहीं फिक्स है कि आपका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन इंग्लिश का इसलिए दे दिए बच्चों कि इंग्लिश में थोड़ा सा टकरा सकता है और कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इंग्लिश चूँकि आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए इंग्लिश का मैंने वीडियो भी प्रोवाइड किया, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, बाद में चर्चा करेंगे एक स्पेशल वीडियो में। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द रॉन्ग सिमिली। यहाँ से देखिए ये चीज़ को पढ़िएगा बच्चों, आप लोग अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़िएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2019 में देखिए बच्चों यहाँ से कह रहा है कि आपको जो गलत सिमिली दिया हुआ उसको चुनना है। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं जो सही सिमिली है उसे हम लोग टिक करते गए हैं, लेकिन इसमें पढ़ना है बच्चों जो गलत सिमिली है उसको बताइएगा। तो देखिए इसमें से लिखा हुआ है एज ब्लाइंड एज ए बैट, चमगादड़ के जैसा अंधा हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, एज शाइनी एज ए न्यू पिन बच्चों ये भी सही दिया हुआ है, एज क्यूट एज ए रेबिट ये भी सही है, एज ब्राइट एज ए बटन बटन भी दिया हुआ है बच्चों। तो इसमें से आपको गलत कौन सा दिया हुआ है, तो बच्चों एज क्यूट एज ए रेबिट बच्चों ये गलत दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, ये बच्चों रॉन्ग सिमिली दिया हुआ, तो रॉन्ग सिमिली दिया हुआ तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख देखिए बच्चों लिखा हुआ एज व्हाइट एज ए सोन, यहाँ से बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था व्हाइट जो है किसके तरफ होना चाहिए, स्नो बर्फ के तरफ होना चाहिए बच्चों, एस एन ओ डब्ल्यू, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। बाकी देखिए बच्चों एज व्हाट एज हेल एज कोल्ड एज ब्रास और एज एज ब्लैक एज कोल, सभी सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ है एज फ्री एज ए वर्ल्ड एज कॉमन एज सॉइल एज डीप एज पोस्ट एज कॉमन एज ए डर्ट, तो कौन सा बच्चों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ जो एज कॉमन एज सॉइल नहीं होता डर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, बी सही होगा। और एज कॉमन एज के बच्चों मक भी कह सकते हैं, एम यू सी के मक भी होता है। ठीक है, तो देखिए ये रॉन्ग सिमिली दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों दिया हुआ है एज ड्राई एज डस्ट, ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एज बिजी एज बी मधुमक्खी की तरह बिजी रहो, ये भी पढ़ चुके हैं बच्चों, एज हैवी एज लेड ये भी सही दिया हुआ है, क्या कहते हैं लेड की तरह हैवी होना चाहिए, एज बिजी एज ए वर्ल्ड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत दिया हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सिंपली गलत दिया हुआ, तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों एज प्लीज्ड एज पंच एज हैप्पी एज ए काम एज हैप्पी एज ए पिग इन मड करा एज स्टील एज लॉ, तो कौन सा बच्चों इसमें से गलत दिया हुआ, ये गलत दिया हुआ एज स्टील एज लॉ बच्चों ये गलत दिया हुआ है। देखिए बच्चों यहाँ दिया हुआ एज हैप्पी एज ए पिग इन मड, ये बस आधा अधूरा दिया हुआ था, इसको मैंने पूरा किया बच्चों, चूंकि सुअर को जो कीचड़ में ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा दिया हुआ 111 से 115 तक दिया हुआ है, लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ ईगल्स, यानी कि ए नंबर ऑफ ईगल्स को क्या कहते हैं बच्चों, चूँकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ए नंबर ऑफ ईगल्स को हम कहते हैं कॉन्वोकेशंस, ऐसे पीछे बच्चों मैंने बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कॉन्वोकेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों ए नंबर ऑफ कैटरपिलर्स, बहुत बच्चे ने कॉमेंट करके पूछे थे सर इसका क्या हुआ मीनिंग, ए नंबर ऑफ कैटरपिलर को हम लोग कहते हैं बच्चों आर्मी, कैटरपिलर ग्रुप को क्या कहते हैं आर्मी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ कैट्स, इसे हम लोग बच्चे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लीजिएगा तो हो जाएगा बच्चों क्लटर हो जाएगा, या तो हम लोग जानते हैं क्लाउडर होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों ए नंबर ऑफ व्हेल्स, यानी कि नंबर ऑफ व्हेल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लीजिएगा तो बच्चों स्कूल कहते हैं, या तो देखिए नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों पोर्ड होता है, पीओडी पोर्ड भी कहते हैं इसे, जैम भी कहते हैं बच्चों, हर्ड भी कहते हैं, मॉब भी कहते हैं बच्चों, ये जो हो गया आपका नंबर ऑफ व्हेल्स का यहाँ से इतना हो गया। नेक्स्ट लिखा हो बच्चों ए नंबर ऑफ मल्स, ए नंबर ऑफ मल्स का क्या होता है बच्चों, एक और ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखेगा तो बैरन होता है, बी ए डबल आर ई एन बैरन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों यहाँ से 116 से 120 तक जो दिया हुआ था करना कोरेक्ट वर्ड लिखने के लिए, तो बच्चों कोरेक्ट वर्ड मैंने डायरेक्टली यहाँ से आपको लिख दिया है, तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये जो लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा हुआ, पेजेंट, पेजेंट का हिंदी क्या होता है बच्चों, तमाशा करना, क्या होता है बच्चों
तमाशा करना होता है। आप लोग जानते होंगे रेस्टोरेंट, इसका स्पेलिंग देखिए बच्चों, पीजेंट पी ए जी पेज ए एन टी पेज एंड, आप लोग को बनाना है पेज एंड। नेक्स्ट बच्चों है रेस्टोरेंट, देखिए अरेस्ट ओरेंट यानी क्या, आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी, रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है बच्चों, खाने का दुकान, यानी कि वैसा दुकान जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं खाने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों वैन, क्या लिखा हुआ है वी ई एन जी ई ए एन सी ई वेंजेंस, वेंजेंस मतलब क्या होता है बच्चों, वेंजेंस मतलब होता है प्रतिशोध करना, क्या होता है बच्चों प्रतिशोध करना। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों एप्रिकेट, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका, एप्रिकेट यानी एप्री ए डबल पी आर ई एप्रिकेट सी आई ए टी, एप्रिकेट का हिंदी क्या होता है बच्चों, सराहना, क्या होता है बच्चों सराहना होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों हाइजीन, हाइजीन भी बहुत बार बढ़ा चुका है एच वाई जी आई ई एन ई हाइजीन, हाइजीन का हिंदी होता है बच्चों स्वच्छता, क्या होता है बच्चों स्वच्छता होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों देखिए यहाँ से दिया हुआ था क्या क्या मीनिंग होता है इसका, लिखा हुआ ए स्मॉल बॉक्स इन विच टी इज केप्ट, यानी कि वैसा बॉक्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं टी को रखते हैं, चाय को रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कैडी कहते हैं सी ए डबल डी वाई कैडी। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों ए केस इन विच द ब्लेड ऑफ ए शॉर्ट इज केप, यानी कि तलवार जो हम लोग जिसमें रखते हैं बच्चों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्केबोर्ड एस सी ए डबल बी ए आर डी स्क्रैब्ड, क्या कहते हैं बच्चों जिसे हम लोग म्यान कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों ए स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ किडनी, वैसा आदमी जो क्या करता है यानी कि जो क्या करता है स्पेशलिस्ट किडनी का क्या हो स्पेशलिस्ट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों नेफ्रोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं बच्चों नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि बच्चों देखिएगा ये जो डॉक्टर वगैरह होते हैं जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें से नेफ्रोलॉजिस्ट लिखा हुआ रहता, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों ए पर्सन हु प्रिजर्व्स एंड माउंट्स एनिमल स्किन्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों टैक्सीडर्मिस्ट, क्या कहते हैं बच्चों टैक्सीडर्मिस्ट टी ए एक्स आई डी ई आर एम आई एस टी टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो दिया हुआ है बच्चों 25 में लिखा हुआ है समवन हु हेट्स मैनकाइंड, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं मिशन थ्रॉप, क्या कहते हैं बच्चों एम आई एस ए एन मिशन थ्रॉप टी एच आर ओ पी ई, इसे क्या कहते हैं बच्चों मिशन थ्रॉप यानी कि समवन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसे हम लोग कहते हैं मैन थ्रॉप्स मैन, क्या कहते हैं बच्चों मिशन थ्रॉप कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2019 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। अब देखिए एक बात मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि बच्चों आप लोगों ने बोला था सर फोनेटिक्स के वगैरह में बताइए, तो बच्चों सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों जो है कि बहुत लेट से पढ़ना शुरू किए थे, लेकिन बच्चों फिर भी मैं उतना आप लोगों को करवा दिया, आप लोग अच्छे से एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ अभी तुरंत, वो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है, इसे एक दो बार रिवाइज करेंगे बच्चे, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों आज जो ये 2019 का इंग्लिश का क्वेश्चन है ये मेरा बच्चों BCEC LE 2000 का लास्ट वीडियो है बच्चों, जिस तरीके से प्यार देते थे उसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।